दोस्तों अगर आपके भी व्हाट्सएप में कुछ इस तरह से यू नीड दी ऑफिशियल व्हाट्सएप टू यूज दिस अकाउंट ये वाले जो प्रॉब्लम है अगर आ रही है तो फिर आप लोग इस वीडियो को पूरी जरूर देखें, यहाँ पर आपको 100% इस प्रॉब्लम की सलूशन मिलने वाली। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप लोग GB व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, FM, यो या फिर नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और उसमें भी अगर आपको ये प्रॉब्लम दिख गई है तो फिर आप लोगों को जो मैं सलूशन बताऊंगा इस प्रॉब्लम की आपको सेम फॉलो करना और फिर आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी और इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ स्टार्टिंग में कि यहाँ पर मैं आपको दो प्रोसेस बताऊंगा। पहला जो प्रोसेस है उसमें आप लोग इंस्टेंट कुछ वन ही सेकंड के अंदर में आप लोग अपने व्हाट्सएप को ओपन कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को रिमूव करके, ठीक है। और दूसरा जो सोल्यूशन है उसमें क्या है दोस्तों, आपको 24 घंटे से 72 घंटे का टाइम लग सकता है। तो दूसरा प्रोसेस आपको तभी करना है जब आपका जो कि पहला प्रोसेस वर्क ना करे। तो अगर दोस्तों आप लोग GB व्हाट्सएप, FM व्हाट्सएप या फिर यो व्हाट्सएप या फिर और भी कोई सा भी व्हाट्सएप अगर आप लोग यूज कर रहे हैं सिर्फ प्ले स्टोर वाला व्हाट्सएप को छोड़ करके, तो आपको सभी के सभी व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना है। जी हाँ दोस्तों, सबको आपको अनइंस्टॉल करना है और सिंपल सा आना है प्ले स्टोर पर और आपको प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है दोस्तों। सारे व्हाट्सएप को पहले इंस्टॉल करना है, देन प्ले स्टोर में आके व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना और यहां से ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद आपको सिंपल सा अपना फोन नंबर इंटर करना है, यहां पर जो सब बैन हो रहा है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है यू ऑफिशियल वाली, तो उसे यहां पर लॉग इन करना है। यहां पर दोस्तों जब लॉग इन कर रहे हैं काफी लोग, तो लगभग 50-60% लोगों की यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, यहां पर लॉग इन हो जा रही बहुत ही ईजी तरीके से, फिर उसे दिक्कत नहीं आती है। बट काफी लोगों को अब यहां पर प्रॉब्लम आती है जो कि अब सेकंड स्टेप है दोस्तों। काफी लोगों को क्या हो रहा है कि नॉर्मल व्हाट्सएप जो है उसमें ही प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर वो लोग क्या कर रहे हैं GB FM यो में उसको प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो वो लोग क्या किए नॉर्मल व्हाट्सएप तो इंस्टॉल कर लिए और इसमें जब लॉगिन कर रहे हैं तो इसमें भी प्रॉब्लम आ जा रही है, ठीक है दोस्तों, यानी कि सभी जगह उसको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तब वो लोग अब क्या करें, तो अब दोस्तों यहां पर उन लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस करना है और उसके थ्रू आपको सिर्फ 24 से 72 घंटे वेट करना है, फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जानी वहां पर आपको एक व्हाट्सएप लिखी हुई एक लिंक मिलेगी, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर के आ जाएगा, और अगर पेज ओपन नहीं हो रही तो आपको सिंपल सा क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, देन गूगल पर क्लिक करना और यहां पर जो आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिखी हुई दिख रही है ये चीज लिख करके सर्च कर देना है व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, और ऊपर में सबसे जो टॉप पर वेबसाइट दिखेगी इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर के आ जाएगी। तो डायरेक्टली भी इस पेज की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सब कुछ ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा भी गलती कर देंगे तो फिर आपको शायद से ज़्यादा टाइम लग सकता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आना है, देन आपको सबसे पहले यहाँ से जो कंट्री कोड है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 91 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप अपने अनुसार कंट्री कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ ताकि जल्दी से आ जाए 91, यहाँ पर इंडिया आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर देना है यानी कि व्हाट्सअप नंबर देना है जिनमें की प्रॉब्लम आ रही है बैंड वाली या फिर वो यू नीड ऑफिशियल व्हाट्सअप, ठीक है। उसके बाद ईमेल, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना ओरिजिनल ईमेल फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सअप की तरफ से रिप्लाई आपको मिलेगा कि हाँ आपका जो नंबर है वो मैं कब अनबैंड करूँगा, कब अनब्लॉक करूँगा या फिर मैंने क्यों ब्लॉक किया था, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर रिप्लाई में मिलेगा इसी ईमेल पर। तो यहाँ पर आपको फोन नंबर देन ईमेल, और फिर अब क्या करना है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना कि आप जो कि व्हाट्सअप किस में यूज करें, एंड्रॉइड में, आईफोन में या फिर लैपटॉप पीसी इन सब चीज में। तो यहाँ पर से हम एंड्रॉइड क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आती है सबसे मेन बात, यहाँ पर आपको लिखना होता है अपने प्रॉब्लम के बारे में, जो भी आपको आ रही है और क्यों आ रही है और इसे कैसे आपको सॉल्व करवाना है व्हाट्सअप वालों से। तो ये चीज़ लिखने का एकदम से बेस्ट तरीका होता है, अगर आप लोग अच्छे से नहीं लिखते हैं तो शायद से आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको लिखना क्या क्या चीज़, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख चुका है यहाँ, जिसके मैंने पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आप लोग डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना सिर्फ व्हाट्सअप लिख करके, ठीक है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सअप लिख करके इस आईडी पर भेजेंगे तो आपको ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पर मैं मैसेज में शेयर कर दूँगा, आप डायरेक्टली उस मैसेज को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना, या फिर अगर नहीं करें तो टेलीग्राम जो है कि अगर यूज करते हैं टेलीग्राम ओपन करना है, देन सर्च पर क्लिक करके आपको चैनल लिखना है, ये अमन की टिप्स, आपको चैनल आ जाएगी। देन यहाँ पर पिन वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको दोस्तों ये फॉर्मेट देखने को मिल जाएगी, सिंपल सा यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके आपको वहाँ पर पेस्ट कर देना है, जहाँ से आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं दोस्तों। देन जैसे आप लोग यहाँ पर पेस्ट करें तो हाँ दो चीज़ आपको अपना फिल कर देना, एक ईमेल, दूसरा अपना फ़ोन नंबर जिसमें कि प्रॉब्लम आ रही है, बस आपका काम हो जाएगा। और आप यहाँ पर आपका ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो दिख रही है नेक्स्ट स्टेप इस पर कर देनी है क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं तो पेज लोडिंग लेगी, देन यहाँ पर फिर से कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा नीचे करना और यहाँ पर जो सेंड क्वेश्चन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद बस आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरह से पॉपअप आ जाएगी, योर क्वेश्चन हैज बीन सेंड। बस आपको क्या करना है दोस्तों, वेट करना है जो मैंने टाइम बताया 24 से 72 घंटे, या फिर जो सा आपने ईमेल दिया दोस्तों उस ईमेल को आपको चेक करते रहना है, क्योंकि ईमेल पर रिप्लाई दोस्तों मिल जाता है, ठीक है। तो ईमेल चेक करना है, चेक करते रहना है। यहाँ पर आपको जल्द ही रिप्लाई मिल जाता है,
यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, रिप्लाई भी मिल चुका है 8:54 में। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अभी क्या भी टाइम भी देख रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से रिप्लाई आ जाएगा, व्हाट्सअप सपोर्ट लिखा हुआ, व्हाट्सअप मैसेंजर सपोर्ट लिखा हुआ। तो यहाँ पर से आपको सारा कुछ पढ़ सकते हैं कि आपके जो नंबर है वो क्यों बैंड हुई, सारा कुछ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आपने क्या क्या गलती की थी जिसके वजह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। एंड हाँ, यहाँ पर जो आपने यहाँ पर मैंने नंबर दिया है आप उससे भी देख सकते हैं कि दोस्तों जो मेरा रिप्लाई है उसी नंबर से उसी ईमेल पर आया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों लॉगिन हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पर ये व्हाट्सअप वालों ने रिप्लाई देकर के खुद ही यहाँ पर कहा है, आप लोग यहाँ पर से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस आपको यही चीज़ करना, आपका काम बन जाएगा। हाँ, काफ़ी लोगों कुछ और भी चीज़ें आती हैं तो इसलिए मैं बोला कि ईमेल आपको देना, वहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आई और आपका जो अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो मैंने प्रोसेस बताया दोस्तों उससे आप लोग इस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर ही सकते हैं। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन जरूरी करूँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।